Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello kids, how are you all? Hope you all are fit and fine and safe at your home. So kids, in this video, we will understand explanation of Chapter 6, Ruler, India. Let's start. Chapter 6, Ruler, India. India is an agricultural country. India एक agricultural country है. मतलब most of the लोग जो इंडिया में रहते हैं वो agriculture activity में involved होते हैं. Okay? About 70% of our population lives in villages. और इंडिया की 70% population कहाँ रहती है? Villages, मतलब गांव में. Rural India's life is quite different from that of people in towns and cities. Rural India की life, मतलब जो लोग villages यानी गांव में रहते हैं उनकी life different यानी अलग होती है. किन से अलग होती है? जो लोग cities यानी शहरों में रहते हैं. Okay? Our government is trying to make our villages self-sufficient. जैसे कि वो लोग थोड़े backward होते हैं जो village में रहते हैं, तो हमारी government क्या try करती है कि उनको self-sufficient बनाए. मतलब government ये try कर रही है कि जो villages हैं वो आत्मनिर्भर बने. Okay? मतलब वो खुद पर depend रहे, ना कि किसी और पर depend रहे. Okay kids, many villages still do not have basic amenities like clean drinking water, electricity, schools, roads, healthcare center, etc. After independence, we have developed a lot. Over the years, life in villages has improved. मतलब ऐसे बहुत सारे villages हैं जिनमें आज तक उनको basic amenities, मतलब सुविधाएं, जो बेसिक सुविधाएं होती है वो नहीं मिलती है. कौन सी बेसिक सुविधाएं होती है? क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ़ पीने का पानी, इलेक्ट्रिसिटी यानी लाइट, स्कूल्स, रोड्स, अच्छे रोड्स नहीं होते वहाँ पे, हेल्थ केयर सेंटर यानी हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं. ठीक है, और इंडिपेंडेंस के बाद ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ही डेवलप की गई है, क्योंकि इंडिपेंडेंस के पहले विलेजेस में इतनी फैसिलिटी नहीं होती थी. बट आफ्टर इंडिपेंडेंस ये सब फैसिलिटी वहाँ पे लाई गई, और जैसे जैसे टाइम बीतता गया विलेजेस की लाइफ इम्प्रूव्ड होती गई. ओके किड्स, मोर टू नो. धारणाई, द विलेज इन बिहार इज डेवलपिंग इट्स ओन इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग सोलार पैनल्स. मतलब बिहार का एक विलेज है जिसका नाम है धारणाई, वो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर रहा है खुद की. मतलब वो विलेज खुद के लिए खुद इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर रहा है. क्या यूज़ करके? सोलार पैनल यूज़ करके. ओके किड्स, मोस्ट ऑफ द पीपल नाउ लिव इन पक्का हाउस. अब क्या क्या फैसिलिटी विलेजेस में आ गई है? तो पहले विलेज में लोग कच्चा हाउस में रहते थे, ठीक है, जो मर्ड इन सब चीज़ों से बना होता था, ग्रास मर्ड. ओके, बट अभी के लोग आफ्टर डेवलपमेंट कहाँ पे रहते हैं? पक्का हाउस. पक्का हाउस किसे कहते हैं हम? जो ब्रिक्स से बना होता है. ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है थर्ड इमेज, यहाँ पे नीचे थर्ड इमेज देखिए. ठीक है, वहाँ पे आपको पक्का हाउस की फ़ोटो दी गई है. पहले लोग कच्चा हाउस में रहते थे जो इजीली टूट जाता था बारिश के टाइम या फ्लड के टाइम, बट अभी आफ्टर डेवलपमेंट वो पक्का हाउस में रहते हैं जो ब्रिक्स से बना होता है. सेकेंड पॉइंट, रोड आर बिल्ट टू कनेक्ट विलेजेस विथ नियर बाय टाउन्स और सिटीज़. पहले गाँव में से शहर जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी, बट अभी क्या डेवलप हो गया है? रोड्स बन गए हैं, ठीक है, जो टाउन्स और सिटीज़ को विलेज से कनेक्ट करते हैं. तो किसी को भी गांव से शहर जाना हो तो वो जो रोड्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं उसको यूज़ करके आसानी से जा सकता है. मोस्ट विलेजेस हैव इलेक्ट्रिसिटी एंड हैंड पंप्स फॉर वाटर. बहुत सारे विलेजेस में पहले इलेक्ट्रिसिटी यानी लाइट नहीं होती थी और हैंड पंप्स भी नहीं होते थे. ठीक है, अभी आफ्टर इंडिपेंडेंस वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई है,
और हैंडपम्प्स, वाटर के लिए हैंडपम्प्स आपको बाजू में दिख रहा है। हैंडपम्प किसे कहते हैं, ग्रीन कलर का, इसको यूज़ करके वो अंडरग्राउंड वाटर को निकाल के यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट फोर, फार्मर्स आर यूजिंग टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन। दैट मीन्स पहले फार्मर एनिमल्स यूज़ करते थे फार्मिंग के लिए, ठीक है, बट अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, वो ट्रैक्टर और यूनिक मशीन्स जो फार्मिंग के लिए बनी है वो यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से वो अपना प्रोडक्शन भी इम्प्रूव कर रहे हैं न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करके। पॉइंट फाइव, स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर्स हैव बीन सेटअप। मतलब बहुत सारे काम में पहले स्कूल्स और हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी नहीं होती थी, बट अभी जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस, बहुत सारे स्कूल्स और हेल्थ सेंटर्स वहाँ पे ओपन हो गए हैं। ओके किड्स, ग्राम पंचायत। एवरी विलेज इन इंडिया हैज़ अ ग्राम पंचायत। इंडिया के हर एक गांव में ग्राम पंचायत होती है। दिस ग्राम पंचायत इज़ इलेक्टेड बाय ग्राम सभा। और उस ग्राम पंचायत को कौन बनाता है, ग्राम सभा। मतलब ग्राम पंचायत में जो भी लोग होते हैं उनको इलेक्ट कौन करता है, मतलब सिलेक्ट उनको कौन करता है, ग्राम सभा। ऑल मैन एंड वुमेन हु आर 18 ईयर्स एंड अबव आर द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा। मतलब जो भी मैंस या वुमेन्स 18 ईयर्स के हैं या तो उससे ज़्यादा हैं, वो ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। दिस ग्राम सभा इलेक्ट मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत। और ये जो ग्राम सभा होती है वो ग्राम पंचायत के मेंबर्स को सिलेक्ट करती है। द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड द पंच। और जो मेंबर्स ग्राम पंचायत में इलेक्ट होते हैं उनको हम कहते हैं पंच। द वर्ड पंच मीन्स फाइव, और पंच का मतलब होता है फाइव, क्योंकि ग्राम पंचायत में फाइव लोग ही सिलेक्ट होते हैं। वन ऑफ द मेंबर्स इज इलेक्टेड एज द हेड ऑफ ग्राम सभा एंड इज़ नोन एज द सरपंच और प्रधान। और उन सब में से एक ऐसा मेंबर होता है जो ग्राम सभा का हेड होता है, जिसको हम बोलते हैं सरपंच या तो फिर प्रधान। ओके किड्स, द ग्राम पंचायत वर्क्स टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ द विलेजर्स बाय। मतलब ग्राम पंचायत विलेजर्स की लाइफ इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या करती है। नंबर वन, प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वेल्स। मतलब उनको पीने के लिए साफ पानी प्रोवाइड करती है। डिगिंग वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। मतलब गांव में सोर्स ऑफ वाटर होता है वेल्स, मतलब कुएं, तो ग्राम पंचायत उसके लिए वेल्स और ट्यूब वेल्स डिग करवाती है। नंबर थ्री, मेंटेनिंग क्लीनिनेस और सफाई मेंटेन करती है। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स। और जो रोड्स ख़राब होते हैं या अच्छी तरह से मेंटेन नहीं होते तो उनको कंस्ट्रक्ट करती है और मेंटेन करती है। लाइटनिंग ऑफ स्ट्रीट्स एंड रोड्स। और स्ट्रीट्स और रोड्स पे अगर सड़कों पे लाइट नहीं हो तो ग्राम पंचायत वहाँ लाइट्स भी लगवाती है। गिविंग प्राइमरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन। और बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट, सेटिंग अप हेल्थ सेंटर्स एंड डिस्पेंसरीज। और हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स भी सेटअप करती है ताकि लोगों को अच्छी ट्रीटमेंट मिल सके। कंडक्टिंग अडल्ट एजुकेशन। और अडल्ट्स को भी एजुकेशन प्रोवाइड करती है। सेटलिंग डिस्प्यूट्स अमॉन्ग विलेजेस। और जो विलेजेस में झगड़े होते हैं उनको भी सॉल्व करती है। हेल्पिंग फार्मर्स इन ग्रोइंग बेटर क्रॉप्स एंड प्रोवाइडिंग देम बेटर सीड्स एंड फर्टिलाइजर। और फार्मर को किस वे में हेल्प करती है, जैसे उनका क्रॉप बेटर हो इसलिए वो अच्छे सीड्स यानी बीज और खाद प्रोवाइड करती है। इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ अ विलेज। अब हम देखेंगे कि एक विलेज की बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी। हिवारी बाजार इज सिचुएटेड इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में एक हिवारी बाजार करके विलेज है। इन दिस विलेज नोबडी इज़ पुअर। और उस विलेज में कोई भी गरीब नहीं है। एंड देयर आर एटलीस्ट 60 मिलियनर्स। और वहाँ कम से कम 60 मिलियनर्स तो है ही। इट इज़ ओनली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ वन पर्सन, मिस्टर पोपटराव पावर। और ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है, मिस्टर पोपटराव पावर की वजह से। व्हेन ही वाज इलेक्टेड एज सरपंच, ही इंस्पायर्ड द विलेज
people to invest in cattle farming and harvesting rainwater. ये कैसे हुआ? जब ये मिस्टर पोपटराट पवार सरपंच बने थे तो इन्होंने गांव के लोगों को ये समझाया कि इनको कैटल फार्मिंग और हार्वेस्टिंग रेन वाटर में इन्वेस्ट करना चाहिए. मोर टू नो, पोथनीकड़ इन केरला इज़ द फर्स्ट इंडियन विलेज विथ 100% लिटरेसी. जो पोथनीकड़ विलेज है केरला का, वो पहला ऐसा विलेज है जिसमें 100% लिटरेसी रेट है, मतलब हर कोई वहाँ एजुकेटेड है.